पप्पू यादव और सोशल मीडिया में इस बात की लगातार चर्चा चल रही थी कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिल रही है। अब पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई भी संपर्क नहीं है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को व्हाट्सएप कॉल से पहली धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार युवक यूएई के नंबर से सांसद पप्पू यादव को धमकी दे रहा था। युवक अपनी पत्नी की बहन के घर घूमने यूएई गया था, वहीं से एक नंबर लाकर दिल्ली से धमकी दे रहा था। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार युवक का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने से भी इनकार किया है। गिरफ्तार की पहचान दिल्ली सेक्टर 4 निवासी कृष्ण कुमार पांडे के बेटे महेश पांडे के रूप में की गई है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार युवक पूर्व सांसद और विधायक के यहां काम करता था, साथ ही सांसद पप्पू यादव के सहायक सहयोगी से भी जुड़ा हुआ था। इस मामले में एसपी कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि विगत कई दिनों से सोशल मीडिया और प्रादेशिक व राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी देने की संबंधित कई खबरें प्रसारित हो रही थी। सोशल मीडिया के कई मंचों पर इस खबर को आमजनों के द्वारा एक दूसरे को अग्रेषित व साझा की जा रही थी। वहीं धमकी मिलने की खबर के बाद हाट थाना अध्यक्ष कौशल कुमार के द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए सनहा दर्ज किया गया और इसकी जांच शुरू की गई। इस मामले में शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि महेश पांडे ने ही सांसद पप्पू यादव को धमकी दी थी। महेश पांडे को पुलिस ने नई दिल्ली में गिरफ्तार किया है। उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वो पूर्व सांसदों विधायकों के यहाँ काम करता था। वो कुछ दिन पहले ही घूमने के लिए यूएई गया था, जहाँ उसकी पत्नी की बहन रहती है। वहीं पर उसने अपनी पत्नी की बहन के नाम से एक सिम लिया और जब तक वहाँ रहा उसका उपयोग किया। फिर जब यूएई से लौटने पर सिम अपने साथ भारत ले आया। इतना ही नहीं, उसने उस वक्त नंबर से व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाया और उसका उपयोग करने लगा। इसी बीच बाबा सिद्दीकी हत्या कांड पर सांसद पप्पू यादव ने समाचार चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पप्पू यादव के बयान के बाद सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर आम लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। इस खबर को महेश पांडे ने भी देखा और उसने इसी में अपना अवसर तलाशते हुए गूगल से सांसद का नंबर निकाला और यूएई वाले व्हाट्सएप अकाउंट से उन्हें हाय लिखकर संदेश भेजा। तकनीकी विश्लेषण में महेश पांडे के द्वारा व्हाट्सएप के संचालन के लिए प्रयुक्त यूएई का सिम और मोबाइल, जिसमें व्हाट्सएप का प्रयोग किया जा रहा था, को बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया है। साथ ही पत्नी का मोबाइल, सिम सहित बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा, साथ ही न्यायालय से गिरफ्तार युवक को पुलिस रिमांड पर भी लिया जाएगा। आ रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों से, तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387766। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था, इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी, जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं, इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं, साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जिनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी दिल्ली से की गई। कोई गैंग में शामिल है सर ये? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि क्योंकि कुछ दिन से अभी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं, माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी, तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबर से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो किसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था, इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है।
ये तो दुबई का सर नंबर है, ये दुबई का नंबर है इनकी, जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं, ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे, संभवतः उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है, ये भी अनुसंधान का विषय है, ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे हैं। कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव था। और डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं नहीं, ये डीपी नहीं लगाया था, ये उनको फोटो भेजा, ये व्हाट्सएप पे पहले उनको मैसेज किए, उसके बाद जब कॉल के द्वारा नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे, और फिर जब बात हुई तो धमकी दिया गया था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, मैं अभी फिर से कह दूं कि अभी और लोग हैं, और नंबर से भी कॉल आया था जिसके भी जाँच चल रही। क्या नाम है सर? महेश पांडे थे, दिल्ली नहीं, दिल्ली के रहने वाले हैं ये, अभी उन्होंने निकलवा रहे हैं कहाँ कहाँ और ठिकाना रहा है, लेकिन ये कई जगह काम कर चुके हैं, जो अभी तक ये बताए हैं उसकी सत्यापन अब तक नहीं की गई है, लेकिन बताया गया है कि कुछ एमपी के साथ भी काम कर चुके हैं ये पूर्व में, साथ ही एम्स में भी शुरुआत में काम किए हैं, और रक्षा मंत्रालय के जो कैंटीन है उसमें भी काम किया। कोई कॉन्टैक्ट था पहले इनके? इनके साथ कॉन्टैक्ट जो है उनके कुछ सहायक लोगों का पाया गया है उसमें, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, वो जाँच के विषय इनके द्वारा बताया गया है, केवल इनके बताए गए हिसाब से है, अभी तक इसकी कन्फर्मेशन नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।